बच्चों आप सभी का मेरे YouTube चैनल इजी क्लियर एग्जाम में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण 45 अनुच्छेदों को विस्तार पूर्वक जानेंगे जो एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। पहला अनुच्छेद है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है। स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। पहला यह है कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी किसी भी व्यक्ति को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, यह एक मौलिक अधिकार है। शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार, यानी बिना किसी शस्त्र के शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का सबको अधिकार है। संगम संघ या सहकारी समितियाँ बनाने का अधिकार, यह भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार, यानी यह एक मौलिक अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को भारत के राज्य क्षेत्र में संचरण से रोका नहीं जा सकता है। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में निर्बाध घूमने और बस जाने का अधिकार। अंतिम स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत यह अधिकार है कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी वृत्ति या कारोबार करने का अधिकार दिया गया है, यह एक मौलिक अधिकार है। अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेद है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि एक मौलिक अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। संविधान में उल्लेखित विभिन्न प्रकार के आपातकाल के समय भी किसी भी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है, यानी कि ये संविधान का अनुच्छेद 21 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं होता है। इसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न प्रकार के स्वतंत्रता के अधिकार दिए हैं, जैसे कि जीवन रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, आश्रय का अधिकार, मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार। यह सब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आते हैं। अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेद है शिक्षा का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत भारत के संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। यह अनुच्छेद यह कहता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इस प्रावधान को शामिल किया गया, यानी यह मूलतः संविधान में मौलिक अधिकारों में नहीं था। संविधान के भाग 4 में भी अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। उसके साथ साथ भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों में 11वां मौलिक कर्तव्य यह है कि प्रत्येक गार्जियन तथा माता पिता अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उचित अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करेंगे। इस तरह से शिक्षा का जो अधिकार है वह एक मौलिक अधिकार, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत और यह एक मौलिक कर्तव्य भी है। अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारत के संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से 4 महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, जिसमें से अनुच्छेद 25 यह कहता है कि सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने तथा आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। अंतःकरण की स्वतंत्रता से आशय है किसी व्यक्ति को भगवान या उसके रूपों के साथ अपने ढंग से अपने संबंध को बनाने की आंतरिक स्वतंत्रता, यानी कोई भी व्यक्ति भगवान को किस रूप में मानना चाहता है वह उसकी अपनी आंतरिक स्वतंत्रता है। मानने का अधिकार, यानी अपने धार्मिक विश्वास और आस्था की सार्वजनिक और बिना भय की घोषणा करने का अधिकार। प्रसार का अधिकार, धार्मिक आस्थाओं का अन्य को प्रचार और प्रसार करना, अपने धर्म के सिद्धांतों को प्रकट करने का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 25 में यह अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार उल्लेखित है। भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही अनुच्छेद 27 में दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृत्ति या पोषण में व्यय करने के लिए करों के संदाय हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा, यानी भारत सरकार किसी भी विशेष धर्म के संप्रदाय या धर्म की अभिवृत्ति के लिए कोई भी कर नहीं लगाएगी, ना ही किसी व्यक्ति को इसके लिए बाध्य करेगी। राज्य कर के रूप में एकत्रित धन को किसी विशेष धार्मिक उत्थान के लिए नहीं उपयोग करेगा।
करेगा। इसके साथ साथ अनुच्छेद 28 यह कहता है कि राजनिधि से पूर्णतः पोषित शिक्षा संस्थानों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यानी कि कोई भी जो सरकारी शिक्षण संस्थान है वहाँ पर कोई भी पहले तो धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, उसके पश्चात राज्य द्वारा जो मान्यता प्राप्त हैं या राजनिधि से सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थान हैं उनमें भी किसी उपस्थित होने वाले व्यक्ति या छात्र को ऐसी संस्था में दी जाने वाली जो धार्मिक शिक्षा है, उपासना है, उसमें उसकी सहमति के बिना उसको उपस्थित रहने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यह स्वतंत्रता उन संस्थानों में नहीं लागू होती है जिनका प्रशासन तो राज्य कर रहा है लेकिन उसकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास के अधीन है। इस तरह से राज्य के द्वारा पूर्णतः पोषित शिक्षा संस्थान में पहले तो कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, उसके अलावा अगर निजी संस्थान है तो उसमें धार्मिक शिक्षा या उपासना में किसी भी व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना बाध्य नहीं किया जाएगा। अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में दिया गया है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में ही मूल अधिकार है और यह अनुच्छेद इस बात को साबित करता है। क्यों? क्योंकि मौलिक अधिकारों के संरक्षण का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का है और सर्वोच्च न्यायालय में किसी भी व्यक्ति को पहुंचने के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रयोग किया जाता है। अनुच्छेद 32 जो है वो संविधान की आत्मा और हृदय कहलाता है। अनुच्छेद 32 भारत के किसी भी नागरिक को यह अधिकार देता है कि मूल अधिकारों के उल्लंघन पर सीधा सर्वोच्च न्यायालय में शिकायत करे। वैसे तो किसी भी व्यक्ति का अगर मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो वह संवैधानिक उपचारों के मौलिक अधिकार के अंतर्गत वह किसी भी न्यायालय में जा सकता है, लेकिन अगर वह सर्वोच्च न्यायालय में भी जाना चाहे तो वह बिना अपील के सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेद यह है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है, जो कि अनुच्छेद 39 में है। सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। पहले तो यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि मौलिक अधिकार न्यायोचित अधिकार हैं, उनके उल्लंघन पर व्यक्ति सीधा सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका में जा सकता है, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, इनको लागू करने के लिए न्यायालय में नहीं जाया जा सकता, यानी ये गैर न्यायोचित है। सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का संवितरण होना चाहिए। धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना चाहिए। पुरुष और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देना चाहिए। कर्मकार के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों को बालाश्रम संरक्षण प्रदान करना चाहिए। बालकों को स्वस्थ विकास के अवसर प्रदान करना चाहिए। इस तरह से अनुच्छेद 39 भारतीय संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। नीति निर्देशक सिद्धांतों में ही गांधीवादी सिद्धांत आपने पढ़े होंगे, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हम देख लेते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 40 है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन का विचार रखता है और इन्हीं ग्राम पंचायतों को उनको स्वसरकार की इकाई के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करने को कहता है और ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। राज्य की सरकार तथा केंद्र की सरकार इनको लागू करने में इन नीति निर्देशक सिद्धांतों का उपयोग करेगी। अनुच्छेद 46 कहता है कि अनुसूचित जाति और जनजाति और समाज के कमजोर वर्ग के शैक्षणिक व आर्थिक हितों को प्रोत्साहन देना चाहिए। अनुच्छेद 47 कहता है स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाओं में मदिरा ड्रग के औषधि प्रयोजन से भिन्न उपयोग पर प्रतिबंध होना चाहिए। अनुच्छेद 48 कहता है कि गाय बछड़ा व अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक और उनकी नस्लों में सुधार का प्रोत्साहन करना चाहिए। इस तरह से यह नीति निर्देशक सिद्धांतों गांधीवादी सिद्धांत के बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। अगला है मौलिक कर्तव्य। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों में कुल 11 प्रावधान है और इसको संविधान के अनुच्छेद 51 के का में शामिल किया गया है। मूलतः संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। मौलिक कर्तव्य कुल 11 हैं, जिनमें से हम महत्वपूर्ण मौलिक कर्तव्यों को देखेंगे। जैसे कि पहला मौलिक कर्तव्य यह कहता है कि संविधान का पालन करें, आदर्श संस्था राष्ट्र और राष्ट्र गान का आदर करें, भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता की भी रक्षा करें, देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर अपने राष्ट्र की सेवा करें, 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं। यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी है और मौलिक अधिकारों में भी इसका 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का प्रावधान किया गया है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, प्राकृतिक पर्यावरण जैसे नदी झील वन की रक्षा करें। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्यों को रूस के संविधान से शामिल किया गया था। अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेद है संविधान का संशोधन।
भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, लेकिन आज अगर देखा जाए तो वैसा का संविधान नहीं है। इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए और यह संविधान का अनुच्छेद 368 संसद को यह अधिकार देता है कि संविधान में संशोधन किए जाएं। राज्यों की विधानसभाओं को संविधान में संशोधन का अधिकार नहीं है। संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति दी गई है। संसद अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करके संविधान के किसी भी उपबंध का परिवर्धन, परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन कर सकती है। उच्चतम न्यायालय के 1973 के केशवानंद भारती मामले में निर्णय के अनुसार संविधान की मूल ढांचे को संशोधित नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है उसको दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अंगीकृत किया गया है। यानी कि भारत के संविधान में यदि संशोधन करना है तो संविधान के अनुच्छेद 368 में इसका प्रावधान किया गया है। और मशहूर जो मामला था वो सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि संविधान की मूल संरचना को बदला नहीं जा सकता है। यानी कि केशवानंद भारती केस से संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत सामने आया था। अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 52 और 53 जो कि भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी भारत का राष्ट्रपति पद कभी भी रिक्त नहीं होगा। अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और यह शक्ति राष्ट्रपति संघ सरकार की मंत्रिपरिषद की सलाह पर उपयोग करेगा। राष्ट्रपति राज्य का राष्ट्र प्रमुख होता है, भारत का प्रथम नागरिक भी होता है, उसके साथ साथ राष्ट्र की एकता और अखंडता का प्रतीक होता है। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तथा महान्यायवादी शामिल होते हैं। इस तरह से संविधान का अनुच्छेद 52 और 53 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी में अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका शक्ति का वर्णन है जो कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा, लेकिन इसमें यह भी प्रावधान है कि मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति कह सकता है, लेकिन मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार के पश्चात जो सलाह दी जाएगी राष्ट्रपति उसी सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है। अगला अनुच्छेद है राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका जो कि अनुच्छेद 55 में उल्लेख है। राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है। भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में सदस्य निम्न सदस्य शामिल होते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य यानी कि नामांकित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में से दिल्ली व पौंडीचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वह अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा, एकल संक्रमणी मत के द्वारा, गुप्त मतदान द्वारा होता है। संसद के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभा मनोनीत सदस्य, विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। यह राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की योग्यता संविधान के अनुच्छेद 58 में दी गई है। राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद हैं कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आप इनको नोट कर लीजिए। यह बहुत ही ज़्यादा बार एग्जाम्स में आए हैं तो आप इनको रिवीजन भी करते रहिए। संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति पद की निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। पहला तो वह है कि भारत का नागरिक होना चाहिए और उसके पश्चात 35 वर्ष की आयु उसको पूर्ण कर चुकी होनी चाहिए। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य आहरित होना चाहिए। वह संघ सरकार में अथवा किसी राज्य सरकार में अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण में या किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। आपने कई बार देखा होगा कि राष्ट्रपति, कोई भी व्यक्ति राज्यपाल या राष्ट्रपति होते हुए दोबारा निर्वाचित होता है, तो इसलिए भारत के संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि राज्यपाल, राष्ट्रपति इत्यादि लाभ के पद नहीं माने जाएंगे। इस तरह से राष्ट्रपति के निर्वाचन की योग्यता अनुच्छेद 58 में उल्लेखित है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है राष्ट्रपति पर महाभियोग। भारत का राष्ट्रपति एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर महाभियोग लगाया जाता है और संविधान के अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। अनुच्छेद 61 यह कहता है कि राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर ही महाभियोग के द्वारा उसको हटाया जा सकता है। यानी केवल एक कारण का उल्लेख किया गया, वह है संविधान का उल्लंघन।
महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोकसभा या राज्यसभा में होगा, दोनों सदनों में से किसी में भी प्रारंभ किया जा सकता है। लेकिन महाभियोग का जो आरोप प्रस्ताव है उसको संसद में प्रस्तुत करने के पहले 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। संकल्प प्रस्ताव जो है वो सदन में प्रस्तुत करने के पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस भी देना आवश्यक है। महाभियोग का जो प्रस्ताव है वह संसद के दोनों सदनों में 2/3 यानी विशेष बहुमत से पास होना चाहिए। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वो संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित तथा नामांकित सदस्य दोनों भाग लेते हैं। यहाँ यह देखने वाली बात है कि राष्ट्रपति की जो चुनाव प्रक्रिया है उसमें संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, नामांकित नहीं। लेकिन महाभियोग में निर्वाचित और नामांकित दोनों सदस्य भाग लेते हैं। वहीं पर राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के महाभियोग पर विधानसभाओं के जो सदस्य हैं वह इसमें भाग नहीं लेते हैं। यह आप नोट करिए और याद रखिए, कई बार यह एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और बहुत ही ज़्यादा संभावना है इसके एग्जाम्स में आने की। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वह अनुच्छेद 61 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेद है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ, जो कि संविधान के अनुच्छेद 72 में उल्लेखित हैं। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को व्यक्तियों को क्षमा करने की शक्ति प्रदान की गई है, और यह क्षमा जो शक्ति है वह संघीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध में दंडित व्यक्ति को दिया जा सकता है। उसके अलावा सैन्य न्यायालय के द्वारा दंडित व्यक्ति को भी यह क्षमादान मिल सकता है। यह दंड का स्वरूप अगर मृत्युदंड है तो उसमें भी क्षमादान शक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है वह न्यायपालिका से स्वतंत्र है, यानी कि यह एक राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के दो रूप हैं, विधि के प्रयोग में होने वाली न्यायिक गलती को सुधारना, यानी कि उसको जो शक्ति दी गई है इसका मुख्य उद्देश्य है कि यदि गलती से न्यायिक गलती हुई है, किसी व्यक्ति को सजा मिली है, तो उस गलती को राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति के द्वारा सुधार सकता है। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति की नज़र में, राष्ट्रपति के अधिकार में यह दंड का स्वरूप जो कि किसी व्यक्ति को दंडित किया गया है बहुत ही ज़्यादा कड़ा है, तो उसको इससे बचाव प्रदान करने का अधिकार दिया गया है। तो राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्तियाँ हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में उल्लेखित है। इस तरह से भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित है, राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 और क्षमादान शक्तियाँ अनुच्छेद 72। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ जो हैं वह 5 प्रकार की हैं। पहला है क्षमा। क्षमा का मतलब यह होता है कि वह उसको सभी प्रकार के दंड और बंदीकरण से मुक्त कर दिया गया है, वह क्षमादान हो गया। लघुकरण, लघुकरण का मतलब होता है दंड के स्वरूप को बदलकर कम करना। उसके बाद आता है परिहार। परिहार का मतलब यह है दंड के प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम कर देना, यानी कि यदि किसी व्यक्ति को 5 साल की सज़ा दी गई है कठोर कारावास की, तो उसकी 3 साल की कठोर कारावास की सजा हो जाएगी, यानी अवधि कम होगी लेकिन उसकी सजा की प्रकृति बदली नहीं जाएगी। विराम, विराम का मतलब यह है किसी दोषी को मूल रूप में दी गई सजा को विशेष परिस्थितियों में कम करना, जैसे कि किसी भी व्यक्ति की शारीरिक अपंगता हो जाती है तब उसकी सजा को कम किया जा सकता है, या फिर मान लीजिए किसी भी महिला की गर्भावस्था की समस्या है तो उस समय भी विराम के द्वारा राष्ट्रपति विशेष परिस्थिति में उसकी सजा को माफ़ कर सकता है या कम कर सकता है। उसके अलावा 5वां है प्राविलंबन, किसी दंड विशेषकर मृत्युदंड पर अस्थायी रोक लगाना। तो राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्तियाँ संविधान के अनुच्छेद 72 में है, यह एक कार्यकारी शक्तियाँ हैं जो कि इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायिक गलती को सुधारना, या फिर यदि वो देखता है कि इसकी सजा जो है बहुत ही कठोर है तो उसको कम कर सकता है। आप इन 5 प्रकार की क्षमादान शक्तियों को याद रखिए। अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेद है राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को सहमति। भारत के संसद में विधि यानी विधेयक पारित होते हैं, और विधेयक जब तक अधिनियम नहीं बनता है जब तक कि उसमें राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर नहीं कर देता है, यानी राष्ट्रपति स्वीकृति नहीं देता था। और अनुच्छेद 111 में जब विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तब उसके पास 3 विकल्प होते हैं। दोनों सदनों के द्वारा पारित होकर के विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंचा तो वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, पहला ऑप्शन यह है। दूसरा ऑप्शन यह है कि विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, यानी विधेयक पर स्वीकृति नहीं देगा और अस्वीकार भी नहीं करेगा। उसके अलावा तीसरा उसके पास ऑप्शन ये है कि यदि विधेयक धन विधेयक नहीं है तो उसको संसद के पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत उसको 3 प्रकार के अधिकार हैं। राष्ट्रपति के पास विधेयक में संबंध में 3 प्रकार के वीटो शक्तियाँ भी इसी अनुच्छेद 111 के अंतर्गत शामिल हैं।
और जो हमने अभी तीन प्रकार की उसकी शक्तियाँ देखी उन्हीं में से यह तीन प्रकार की वीटो शक्तियाँ हैं, जैसे कि निलंबनकारी वीटो। राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग तब करता है जब वह किसी विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटाता है। पुनर्विचार का मतलब है संसद में वह विधेयक वापस जाएगा और वहाँ पर संसद में पुनर्विचार होगा और उसके पश्चात फिर से राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। यह एक निलंबनकारी वीटो है। पॉकेट वीटो, राष्ट्रपति विधेयक पर ना तो कोई सहमति देता है और ना ही अस्वीकृत करता है और ना ही वापस लौटाता है। यह तीनों ही कार्य वह नहीं करता है, लेकिन एक अनिश्चित कार्य के लिए विधेयक को अपने पास लंबित कर लेता है। ऐसा क्यों करता है? भारत के संविधान में राष्ट्रपति को यह नहीं निश्चित किया गया है कि उसको इतने समय में ही सहमति देना है। अगला है अंत्यातिक वीटो, राष्ट्रपति की वह शक्ति जिसमें राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है। यह विधेयक इस प्रकार समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बनता है। अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 66। संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के निर्वाचन और मनोनीत सदस्यों दोनों मिलकर करते हैं, यानी उपराष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66। उपराष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा सीधे नहीं होता है, दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमण मत द्वारा और गुप्त मतदान से होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और आकस्मिक समय में जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो भारत का जो उपराष्ट्रपति है वही कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है। लेकिन कोई भी उपराष्ट्रपति सिर्फ 6 महीने तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति अनुच्छेद 65। संविधान के अनुच्छेद 65 के अनुसार उपराष्ट्रपति का आकस्मिक रिक्तियों अथवा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करना, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, इसके पहले ही अनुच्छेद में हमने विस्तार से चर्चा कर ली है। यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति कोई भी उपराष्ट्रपति केवल 6 महीने तक ही बन सकता है, इस बीच में निर्वाचन कराना आवश्यक है। अगला है भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति और उसको शपथ दिलाता है। और इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह भारत का महान्यायवादी जो होता है वह संघ सरकार यानी केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार है। महान्यायवादी को भारत के राज क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों में बैठकों में भाग ले सकता है, बैठकों में वो बोल सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता है। इस तरह से भारत के महान्यायवादी को यह विशेषाधिकार दिए गए हैं, भारत के सभी न्यायालयों में उसकी सुनवाई की जा सकती है। मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को सलाह, संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 74। भारत का राष्ट्रपति जो है भारत की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, हमने पिछले अनुच्छेद में पढ़ा था। इसके साथ साथ राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का उपयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का व्यवस्था करता है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा, यह तो पहला तथ्य हो गया। लेकिन राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से उसकी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है, लेकिन राष्ट्रपति को पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करना के लिए बाध्य है। अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेद है प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, जो कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 75 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 75 केवल इतना कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार की जो संसदीय व्यवस्था है उसमें राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, उसके पास और कोई अन्य रास्ता नहीं है। यदि लोकसभा में मान लीजिए कोई भी दल स्पष्ट बहुमत में ना हो तब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने स्वविवेक स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है। लेकिन जब लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिला हो तब राष्ट्रपति सबसे बड़े दल अथवा गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और उसके साथ यह शर्त होती है कि उसको 1 महीने के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करना है, यानी सदन में बहुमत हासिल करना है। क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 75 में यह है कि राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। कोई दल अगर स्पष्ट बहुमत में नहीं है तो राष्ट्रपति सबसे बड़े दल वाले व्यक्ति नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा और 1 माह के अंदर उसको लोकसभा का विश्वास
पाना होता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। मूलतः संविधान में यह प्रावधान नहीं था कि मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है, लेकिन 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में यह जोड़ा गया कि अधिकतम मंत्रियों की संख्या कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या से 15% से अधिक नहीं होगी। कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है और राज्यसभा की अधिकतम कुल संख्या 250 से अधिक नहीं होगी। इस तरह से 15% से अधिक मंत्री नहीं बन सकते हैं और यह प्रावधान 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा लाया गया था। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेद है सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, जो कि अनुच्छेद 75 कहता है। अभी हमने अनुच्छेद 74 के बारे में देखा था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह अनुसार कार्य करेगा। उसके साथ साथ जो मंत्रिपरिषद है उसका सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 75 में उल्लेखित है। सरकार की संसदीय व्यवस्था की कार्यप्रणाली का प्रमुख मौलिक सिद्धांत उसका सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। अनुच्छेद 75 स्पष्ट रूप से कहता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका अर्थ यह है कि सभी मंत्रियों को उनकी सभी कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी है। वे एक दल की तरह कार्य करेंगे और समान रूप से उत्तरदायी होंगे। अलग अलग कोई भी मंत्री उत्तरदायी लोकसभा के प्रति नहीं होता है। एक मंत्री अगर किसी भी कार्य प्रकार से अगर उत्तरदायित्व तो होता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद का एक साथ लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। जब लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध एक अविश्वास पारित करती है तो सभी मंत्रियों को, जिसमें कि राज्यसभा के भी मंत्री शामिल हैं, उनको त्याग पत्र देना पड़ता है। राष्ट्रपति लोकसभा में विश्वास मत खोए हुए मंत्रिपरिषद की सलाह मानने हेतु बाध्य नहीं है। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत यह भी है कि मंत्रिमंडल के सभी निर्णय केंद्र मंत्रियों के लिए बाध्यकारी हैं, यानी मंत्रिमंडल में जो निर्णय लिया गया है वह सभी मंत्रियों के लिए बाध्यकारी है। अलग से किसी मंत्री इसमें आशा निराशा नहीं दिखाएगा। संसद का गठन और उसके अंग संविधान के अनुच्छेद 79 में उल्लेखित है। संसद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो आप क्वेश्चंस अगर आता है कि राष्ट्रपति, भारत की संसद किससे मिलकर बनी है, तो वह है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अनुच्छेद 54 में राज्य परिषद एवं जनता का सदन के स्थान पर क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा सदन को शब्द को अपनाया गया। यानी जब भारत आज़ाद हुआ तो 1954 तक राज्य परिषद और जनता का सदन राज्यसभा और लोकसभा के नाम से जाने जाते थे। राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है, लोकसभा निचला सदन कहलाता है। राज्यसभा में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं, जबकि लोकसभा संपूर्ण रूप में भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा विघटित हो जाती है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसका विघटन नहीं होता है। संसद के सदनों की अवधि, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 83 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 83 में संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा और लोकसभा की अवधि का उल्लेख है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता है। राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा एक अस्थायी सदन है और लोकसभा आम चुनाव के बाद हुई पहली बैठक से 5 वर्ष के लिए होती है। लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि लोकसभा अपने जीवन काल से पहले किसी कारणवश से विघटित नहीं होती है तब, अन्यथा लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष से कम भी हो सकता है यदि लोकसभा पहले ही विघटित हो जाती है। इस तरह से संसद के सदनों की अवधि का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 83 में है। इनकी संसद के संविधान का उल्लेख भारतीय संविधान का अनुच्छेद 84 संसद के सदस्यों की योग्यता उल्लेखित करता है। भारतीय संसद के सदस्यों की योग्यता में उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। कोई भी सदस्य यदि बनना चाहता है संसद का तो भारत का नागरिक होना आवश्यक है। विदेशी नागरिक कोई भी भारत की संसद का सदस्य नहीं बन सकता है। उसे राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु तथा लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। कोई व्यक्ति आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे किसी संघ राज्य क्षेत्र की अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य होना आवश्यक है। सदन के मंत्रियों के अधिकार, जो कि संविधान के अनुच्छेद 88 में उल्लेखित हैं,
लोकसभा तथा राज्यसभा के मंत्रियों के अधिकार। प्रत्येक मंत्री को किसी भी सदन में बोलने तथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है, यानी कि लोकसभा का सदस्य राज्यसभा की कार्यवाही में भी भाग ले सकता है और बोल भी सकता है। मंत्री दोनों सदनों की संयुक्त बैठक तथा संसदीय समिति जिसका उसे सदस्य बनाया गया हो उसमें भी बैठक में भाग ले सकता है। प्रत्येक मंत्री को मत देने का अधिकार सिर्फ उसी सदन में है जिसका वह सदस्य होगा। तो भारत की संसद के प्रमुख अंग हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, और लोकसभा तथा राज्यसभा सदस्यों के अधिकार जो है अनुच्छेद 88 में है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद और लगभग हर एग्जाम में यह अनुच्छेद आया हुआ है और वह अनुच्छेद 108 है। किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में अनुच्छेद 108 के अनुसार संयुक्त बैठक की एक असाधारण व्यवस्था की गई है, यानी मान लीजिए दोनों सदनों में किसी विधेयक पर गतिरोध है तभी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है और अनुच्छेद 108 में इसका उल्लेख है। संयुक्त बैठक तीन परिस्थितियों में बुलाई जा सकती है। पहली परिस्थिति यह है यदि विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है, मान लीजिए लोकसभा के द्वारा पारित किया गया और राज्यसभा में उसके अस्वीकार कर दिया, तब संयुक्त बैठक का प्रावधान है। यदि सदन विधेयक में किए गए संशोधनों को मानने से असहमत, यानी दूसरा सदन संशोधन मानने से असहमत हो जाता है तब भी संयुक्त बैठक होगी। दूसरे सदन द्वारा बिना विधेयक को पास किए गए 6 महीने भी बीत गए हैं तब भी संयुक्त बैठक हो सकती है और अनुच्छेद 108 में इसका प्रावधान है। राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है, यानी यह संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। धन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं होता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसके साथ साथ महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है बच्चों कि संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक पर भी संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में नहीं है। अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 112 में है, जिसको हम आम भाषा में बजट कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है, यानी बजट का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है, उसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण उसको कहा गया है। इसमें वित्तीय वर्ष के दौरान भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियां और खर्च का विवरण होता है, जो कि 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च तक होता है। भारत का जो वित्तीय वर्ष है वह 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च तक होता है। बजट में क्या क्या शामिल होता है, तो राजस्व एवं पूंजी की अनुमानित प्राप्तियां, राजस्व बढ़ाने के उपाय और साधन, खर्च का जो अनुमान, वास्तविक प्राप्ति एवं खर्च का विवरण, आने वाले साल के लिए आर्थिक एवं वित्तीय नीतियां। तो वार्षिक वित्तीय विवरण जो कि अनुच्छेद 112 में उल्लेख है और राष्ट्रपति के द्वारा इसको संसद के दोनों सदनों के पटल में भारत के वित्त मंत्री यानी केंद्र सरकार के वित्त मंत्री के द्वारा रखा जाता है, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद पटल पर रखने की जो शक्ति है वह भारत के राष्ट्रपति में है। और अनुच्छेद 112 में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। यदि आपको पूछा जाता है कि बजट का संविधान में कहाँ पर उल्लेख है तो यह असत्य कथन है, संविधान में कहीं पर भी बजट का उल्लेख नहीं किया गया है। अगला, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता, उसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता का वर्णन संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है और इसको एक भारत में संसद में विधि बनाकर लाया गया था। तो जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, वह किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 साल का न्यायाधीश रहा हो या उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालय में मिलाकर 10 वर्ष का वकील रहा हो। और तीसरी योग्यता यह है कि राष्ट्रपति के मत में उसे सम्मानित न्यायविद होना चाहिए। इन तीनों में से अगर कोई योग्यता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं किया गया है। उसके अलावा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं और राष्ट्रपति ही उनको पद की शपथ दिलाता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेद है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 125 में किया गया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और विशेषाधिकार, अवकाश एवं पेंशन का जो निर्धारण है वह समय समय पर संसद करती है, यानी संविधान में इनका उल्लेख नहीं है। वित्तीय आपातकाल के दौरान इनके वेतन को कम किया जा सकता है और जो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनका जो वेतन होता है भारत की संचित निधि पर भारित होता है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2.80 लाख रुपए प्रतिमाह है तथा अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2.5 लाख रुपए प्रतिमाह है। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पेंशन तथा
उनके अंतिम माह के वेतन का 50% निर्धारित होता है। इस तरह से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो वेतन है वो संविधान में उल्लेखित नहीं है, संसद समय समय पर इसके लिए विधि बनाती है। अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेद है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, यानी अनुच्छेद 126 में यदि भारत का मुख्य न्यायाधीश का पद खाली है तो उसमें कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की अनुच्छेद 126 में उल्लेख किया गया। संविधान के अनुच्छेद 126 के अनुसार राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को भारत के सर्वोच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। यदि मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाता है आकस्मिक रूप में या फिर अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित होता है, मुख्य न्यायाधीश अपने दायित्वों के निर्वहन में असमर्थ है, इन तीन कारणों पर अनुच्छेद 126 के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति, जिसका अनुच्छेद 128 में उल्लेख है। संविधान का अनुच्छेद 128 कहता है कि किसी भी समय पर यदि भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है उच्चतम न्यायालय का या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से अल्पकाल के लिए उच्चतम न्यायालय में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है, लेकिन इसमें सेवानिवृत्त व्यक्ति की और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है, तभी यह कार्य मुख्य न्यायाधीश कर सकता है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति, उसके वेतन भत्तों का निर्धारण भी भारत का राष्ट्रपति करता है। बच्चों, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद से संबंधित यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके।